आत्मकथा खोजे मनुष्य जी तो सकता है पर बोझ शरीर का जीवन होता है और जल्द से जल्द उस बोझ को अपने कंधे से उतार देता है। साधारण आदमी नौकरी बीवी और बच्चों में जीवन की सार्थकता ढूंढ लेते हैं, यह संतोष के साथ जी भी लेते हैं, पर इन्हें कहीं ना कहीं यही असंतोष चलता है। शक्कर सहकारी स्टोर से नहीं मिल रही, बाकी सब ठीक है, शुभ है, पत्नी पतिव्रता है। सच ना ही मुझे सच ना ही ये सच ना ही बच्चा स्कूल से एक इनाम लिया है। पापा पापा देखो मैं इनाम लिया है पापा। ऐसे आदमी ना तो राग द्वेष से पीड़ित होते हैं, ना ही विशिष्टता के रोग और ना ही समाज की यश की कामना। मुसीबत तो उस आदमी की होती है जो विशिष्ट हुए बिना जी नहीं सकता। वो जिस पल अपने आप को विशिष्ट नहीं पाएगा मृत्यु के निकट पहुंच जाएगा। तो जिस महानुभाव की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो खूंटी पर शव यात्रा में लपेटा जाने वाला तौलिया हमेशा तैयार रहता है। किसी के मरने की खबर भूली नहीं कि इतना प्रसन्न होते हैं। भाई साहब आपको पता है वो शर्मा जी मर गए। हैं? क्या कहा? अच्छा शर्मा जी मर गए। दफ्तर से छुट्टी ले ले, घर में और मोहल्ले में ऐलान कर देंगे। अरे कोहली जी, अरे जल्दी से बाहर आओ, अरे अग्रवाल जी, अरे जल्दी जाओ, अरे यादव जी सुनो, अरे वो शर्मा जी नहीं है, अरे अपने, अरे राम पालन याद, अरे वो मर गए, चलो जल्दी सब की शव यात्रा में चलना। अरे सुनती हो, अरे हम जा रहे हैं जरा शव यात्रा में, हाँ अभी लौट कर आते हैं। और जब शव जला कर लौटते हैं तो इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं जैसे किसी युवक की बारात से लौटते हैं। अरे साहब यादव जी सही है, क्या तो शव यात्रा थी, सही ऐसी शव यात्रा तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे कितना हुजूम था साहब शव यात्रा में, आनंद आ गया सही। अरे सुनती हो, अरे भाई नहाने को पानी गर्म रख दो, हम लौट आए हैं शव यात्रा से। वो इस शहर में इसी यश की सार्थकता पर जीवित है कि हर व्यक्ति की मौत मिट्टी में जाती है, मेरा मतलब है कि शव यात्रा। मैंने कभी यह नहीं सुना कि वो किसी को अस्पताल ले जाकर उसका जीवन बचाने की कोशिश में हो, वो तो इंतजार करते हैं कि वो कब लौटता है। शायद रात भर इसी चिंता में ना सोते हैं। रात की नींद भी नहीं आ रही, अब नींद आएगी तो कैसे आए, कोई मर भी क्यों नहीं रहा। तो बताइए अगर लोग नहीं मरेंगे तो शव यात्रा पर सोचे कभी टंगे रहेगा। हे भगवान कल किसी ना किसी को तो मार ही देना। लेकिन मैं उनके बैठा हुआ था तभी बाहर से एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया। भाई साहब कल कहीं बहुत सीरियस है, मैं आपके यहां से डॉक्टर को फोन करूं। तो वो कहने लगे भाई साहब वो बात ये है कि अरे हाँ फोन तो खराब है, आप एक काम करो बाहर से कहीं जाओ। मुझे पता था कि फोन होगी पर इन्हें डर। अरे फोन करने से कहीं डॉक्टर ना, और अगर डॉक्टर आ गया तो कक्का जी बच जाएंगे तो सवेरे ये शव यात्रा वाला तौलिया लपेट कर अर्थी बांधने का कार्यक्रम गड़बड़ नहीं हो जाए। बोली आप ही बताइए। रात को कक्का जी मर गए, वो मेरे भी परिचित थे, मैं उनके यहाँ गया। मैंने देखा कि वो मानुभाव वो
शव यात्रा वाला तौलिया लपेट कर अर्थी इस गर्भ से तैयार कर रहे थे जैसे किसी युवक की सेज सजा रहे हैं। हाँ अरे यार तुम क्या खड़े क्या जल्दी से पान के पत्ते लेके आओ। हाँ फटाफट दौड़ के जाना और दौड़ के आना। मैंने उनसे कहा भाई साहब बहुत ही सहृदय हर व्यक्ति की शव यात्रा में जाते हैं तो वो कहने लगे देखो भैया अपना तो ऐसा कि चाहे जीवन में कोई भी संबंध चाहे वो अपना दुश्मनी क्यों ना अपन तो हर व्यक्ति की शव यात्रा में बराबर साथ देते हैं। अरे हाँ यार पान के पत्ते ला कर दिया हर को और सिक्के तो जल्दी से क्या हाँ वेरी गुड अभी अपने कक्का जी की अभी है जरा शांत से उठाना चाहिए। हाँ मान लो जरा अच्छे मैंने मन ही मन से कहा धन्य मौत के प्रति ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं लिया। एक आध महीना कोई परिचित ना मिले तो वो किसी को मारने की कोशिश भी कर सकते जिससे टूटी पड़ता था वो शव यात्रा वाला तौलिया लपेट सके जिसकी जान बचाने के लिए फोन नहीं करने दिया उसकी शव यात्रा में वो रोते हुए जा रहे थे। सारा काम हो गया चल उठाओ हमारे कक्का जी अभी तो कंधा तो सर हाँ वो मटकी वाले को आगे चलो उठाओ। राम राम सत्य राम राम सत्य कक्का जी बड़े मस्त हैं राम राम सत्य। और लोग कह रहे थे अरे भैया कुछ भी हो ये आदमी है बहुत बढ़िया हर व्यक्ति की शव यात्रा में बराबर साथ देता है। हाँ अंकल बिल्कुल सही कह रहा है देखिए ना कैसे रो रहा है जैसे उसका भाई मर गया। मैं उन्हें पहले समझ नहीं पाया उनके एक सहपाठी थे दिल्ली में मामूली लेक्चरर। मैं जब भी दिल्ली जाता तो वो आंखों में आंसू भरते हुए मिठाई का पैकेट मुझे देते और कहते भैया ये मिठाई का पैकेट मेरे मित्र गणेश को दे देना और उसे कहना कि मैं चाहता हूं कि वो लगातार आगे बढ़ता जाए। भैया ये मिठाई का पैकेट जरूर दे देना। अच्छा मैं चलता हूं। तीन चार सालों में गणेश भी अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट के हेड। मैं अपने किसी काम से दिल्ली जा रहा तो मैंने सोचा क्या क्यों ना उनसे मिलता चलूं शायद उन्हें कुछ भेजना। जैसे उनके घनिष्ठ मित्र उनके आगे उन्होंने कहा अरे भाई साहब आपको पता है अरे बड़ी खुशखबरी है गणेश भैया अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट के हेड हो गए। मैं अपने किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ आप उनके लिए कुछ भेज रहे हैं। तो भाई साहब मेरे को गुस्सा हो गए कहने लगे अरे यार आप तुम्हें बताओ है जब ऐसे ऐसे आदमी डिपार्टमेंट के हेड होने लगे तो इन विश्वविद्यालयों का क्या हो बोलो बता। आंखों में आंसू उनके तब भी छलका मित्रता के कारण पर वो टूटी पटंगी उस शव यात्रा के तौलिये को भी देख रहे और सोच रहे थे देखते हैं ये शव यात्रा वाला तौलिया गणेश के काम कब आता। लेकिन साला ये तो आगे ही बढ़ता चला गया। मौत के प्रति प्रेम बड़ी अजब चीज मगर मैं उनके यहां जब भी जाता हूं शव यात्रा वाले तौलिये को देखकर घबरा जाता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे वो शव यात्रा वाला तौलिया मुझसे कह रहा हो क्यों क्यों मिस्टर इन्हें अपने सर पर बांधने का चांस कब दे रहे हो। गहन अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वो अपने किसी भी मित्र को जहर देकर मार सकते
सुबह अश्वपात करते हुए उसकी अति बांध सकते हैं और मित्र प्रेम के कारण वो बेहोश भी हो सकते। जीवन से ऐसा देश क्या था? एक बार मेरे परिचय की मृत्यु हुई तो मैं उसके कफन दफन की तैयारी में लगा हुआ, तभी अचानक वो मुझे रास्ते में मिले, मुझसे कहने लगे, भाई साहब हमने सुना है कि आपके कोई परिचित मर गए हैं। मैंने कहा हाँ तो हमारे परिचित मर गए तो नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि हम भी चले बारी घाट, मेरा मतलब कि शमशान घाट हम भी चलते हैं। पच्चीसों रिश्तेदार सब संभाल लें, परेशान तो बारी घाट यहाँ 25 मील दूर, आप कहाँ हो दूर पहुँचेंगे? नहीं नहीं भाई साहब हम तो सब चले जाएंगे साइकिल। मैंने कहा नहीं आप कहने की, तो वो गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे अरे नहीं यहाँ पे भी नहीं चलो गाड़ी का, मैं यहाँ पे भी नहीं पड़ते हैं, हमें सब यहाँ पे भी नहीं बहुत अच्छा लगता था, हमें नहीं चलो लगता, हम भी वहाँ ही तो रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका, नहीं तो वो साइकिल से 25 मील जाने को। जीवन से ऐसा प्रेम और मौत से ऐसा प्रेम क्या कहा? वैसे तो उस दिन कथावाचक पंडित जी कह रहे थे कि भक्तजनों जो आदमी जो व्यक्ति जो मानुभाव जो आदमी जो व्यक्ति जो मानुभाव अपने जीवन काल में अपने जीवन काल में 100 आदमियों की शव यात्रा में जाता है, कितने 100 आदमियों की शव यात्रा में जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति, कहां की प्राप्ति होती है भक्तजनों? स्वर्ग की प्राप्ति होती। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा तथा कथित शास्त्र कहते हैं। ये शव यात्रा वाला तौलिया शायद शास्त्र के आदेश के अनुसार ही वो इस तौलिये में जीवन की सार्थकता को खोज कर मजे में यश के साथ जी रहे हैं। लेकिन लेकिन जब भी मैं उनके घर जाता हूँ तो इस शव यात्रा वाले सौलियों को देखकर एकदम घबरा जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो इस शव यात्रा वाले तौलिये का मेरे संस्कार के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। पर वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, पास बैठाते हैं, भोजन कराते हैं। पिछली बार जब मैं उनके यहाँ गया मैंने देखा कि ड्यूटी पर वो शव यात्रा वाला तौलिया नहीं और वो भावुक भी नहीं। मैं उनके इसलिए गया था कि हमारे एक परिचित मित्र जो थे घनिष्ठ मित्र थे उनकी मृत्यु हो गई, तो मैंने उनसे कहा भाई साहब वो आपको तो पता ही होगा कि अपने फलाना मित्र की मौत हो गई, मेरा तो पूरा विश्वास था कि आप मौ हो, चलिए चलते हैं। तो वो कहने लगे अब भैया कहाँ कहाँ जाए, बड़ी परेशानी होती है, पर हमारी यह तबीयत भी ठीक नहीं है भाई, हम तो आ नहीं पाएंगे, आप एक काम करो खुद ही चले जाओ। नमस्ते, मैंने भी उनसे नमस्ते किया और वहां से चल मैं चला जा रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि हाँ उस दिन कथावाचक पंडित जी कह रहे थे कि जो आदमी 100 आदमियों की शव यात्रा में जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। समझ गए,
समझ गया कि इनके 100 पूरे हो चुके हैं। और एक तो एक मिश्र के ना तो उन्हें ठीक से जीने की चिंता है और ना ही दाह दिया। वैसे सुलझे विचारों के लोग ऐसे ही होते हैं, पर अब मुझे उनके घर जाने में डर नहीं लगता। पूछिए क्यों, पूछिए क्यों, क्योंकि उनकी 100 पूरे हो चुके हैं।